हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कैसे हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट कर सकते हैं सैमसंग के फ़ोन्स में। सबसे पहले आपको टैप करके रखना है, टैप एंड होल्ड करना है। नीचे थीम्स का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसको ओपन कर लेना। ठीक है, गैलेक्सी थीम देख रहे हो, ओपन हो रहा है, इसको लोड होने देना। नीचे आपको यहाँ ईओडीज का ऑप्शन मिलेगा, देखो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ और एक नया पेज ओपन होगा जिसमें हमें कई तरह के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएंगे। ऊपर यहाँ से आप टॉप कर लेंगे तो ये फ्री वाले आ जाएंगे, इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे एंड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, कार लाइट करके कुछ है, इसका नाम है, तो हो जाने देते हैं। ओके, तो डाउनलोड हो गया या खोल ले रहा है। चलो, तो हाँ, तो ओके, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अपलोड। अब लॉक करते हैं एंड ये देखो कुछ इस तरह से हमारा लॉक स्क्रीन। अगर लाइट नहीं है तो इसका अलग दिक्कत है। चलो मैं दिखाता हूँ, देखो तो कुछ इस तरह से हमारा लॉक स्क्रीन नज़र आएगा, जो कि सही है। मैं करता हूँ और लॉक करते हैं, टैप करते हैं। ये देखो इस तरह से आपको लॉक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। इसे आप वॉच फेस कस्टमाइज नहीं कर सकते, इसमें इमेज बस का ऑप्शन देता है गैलेक्सी थीम से। हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कैसे हम वॉच फेसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं अपन। इसका भी मैंने बना रखा है ऑल ये एज लाइटिंग के इफेक्ट। ठीक है, तो देख लेना उसको।